अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ गुलाम हमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी एम स्वर्ड। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि फरवरी स्टार्ट हो चुका है, फरवरी के आते ही पीएसएल की आमद शुरू हो जाती है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान सुपर लीग ने अपना न्यू एंथम रिलीज़ किया जिसके ऊपर आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। और आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो के साथ आया हूँ जिसके अंदर हम फिर से रिएक्शन देने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल एंथम के ऊपर। तो अब आप लोगों के दिमाग में अब यही बात आ रही होगी कि मैं इतने दिन के बाद ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। असल में मैं 2-3 दिन से काफ़ी बिज़ी था और मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं 2-3 दिन से काफ़ी बिज़ी था। तो लेकिन अब आपको ये वीडियो मैं भी शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एडिटिंग के बाद आपको फ्राइडे तक ये आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी। आई नो कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो फ्राइडे तक अपलोड मिल जाएगी। सो गाने का टाइटल है ग्रूव मेरा HBL PSL ऑफिशियल एंथम 2021 नसीबोलाल आयमा बेंग एंड यंगस्टर्स। अब पहली बात तो ये कि जब मुझे पता चला था कि नसीबोलाल PSL का गाना गा रही हैं, तो पहले तो मुझे फेक न्यूज़ लगी थी, लेकिन उसके बाद जब कंफर्म हो गया कि नसीबोलाल ही PSL का गाना गा रही हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस बारे में कोई अच्छी नहीं थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि इस दफ़ा कुछ ना कुछ अजीब हो जाएगा, लेकिन आयमा बेग से थोड़ी सी मुझे उम्मीद थी और यंग स्टैनर सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि शायद वो गाने को जिसे कहते हैं ना चार चांद लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बगैर मजीद किस्म के टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। हलचल है मची हुई, फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज। बाजों के साज पे मचती हर थाप पे, तू भी जश्न मना उठा हवा में हार। आज क्रिकेट का गली में मैच लगाओ, दिल से दौड़ लगाओ यारों के साथ। यंगस्टर्स की एंट्री फाइनली हो चुकी है। ये खेल नहीं जशन है, मेरा अपना फ्लेक्स अपना टशन है। ये आवाज सुन, इसमें वजन है, सड़कों से गलियों तक, गलियों से घरों में। मिल बैठे सामने स्क्रीन्स के, हिल ना सके अपनी सीट से। ग्रूव वेक मेरा टीवी थे, बेबी लेजेंड्स नेवर टेक द इजी वे। बातों में आग से चलते रहेंगे, झूमेंगे वो भी जो घर पे रहेंगे। सितारे हम जैसे उभरते रहेंगे, ये जशन है बाजे तो बजते रहेंगे। लगे सब दौड़ में, born ready and I'm sure boy, you know what I do, यही मेरा ग्रूव, मेरा ग्रूव। आज देखेगा क्राउड, मुझे पहचान उस दिल की आंख से। देखेगा क्राउड, जीत या हार हम खुशियां बांटते। आज देखेगा क्राउड, करेंगे मूव सब मेरे ही ग्रूव पे। देखेगा क्राउड, करेंगे मूव सब मेरे ही ग्रूव पे। आज देखेगा क्राउड, मेरा ग्रूव टीवी पे। देखेगा क्राउड, मेरा ग्रूव, मेरा ग्रूव। आज देखेगा क्राउड, मेरा ग्रूव टीवी पे। देखेगा क्राउड, मेरा ग्रूव, मेरा ग्रूव। क्या एक्शन लेकर कितना जीत है। Hashtag मैच दिखाओ। आई हैव नो वर्ड्स। पहली बात तो यही कि स्टार्टिंग के अंदर जब गाना चला तो
तो मुझे कहीं से भी PSL का गाना तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा था। ऐसा फील मुझे ज़रूर आई थी कि स्टेज ड्रामा चल पड़ा है, क्योंकि नसीबो लाल ने आज तक जितने भी गाने गाए हैं वो स्टेज ड्रामों के लिए गाए हैं, और ये भी मुझे कहीं से PSL का नहीं लग रहा था। अगर हाँ, अगर ये स्टार्टिंग के ऊपर अगर किसी और सिंगर से करवा लेते, स्टार्ट अगर किसी और सिंगर से करवा लेते, क्योंकि आयमा बेग थी यंग सिंगर से, उन दोनों में से किसी से स्टार्ट करवा लेते या कोई और सिंगर से स्टार्ट करवा लेते तो शायद मेरे ख्याल से ये बेहतर था। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद स्टेज ड्रामा लग गया, लेकिन आयमा बेग और यंग सिंगर्स का जो पार्ट था वो एक्सेप्शनल था। वहाँ से गाना, मैं कहता हूँ अगर आपने गाना सुनना है या फिर आपको लगता है कि वहाँ से आगे गाना अच्छा है, तो 1:07 के बाद से जो गाना है वो एक सीक्वेंस पे चल पड़ता है, वहाँ से एक अच्छा गाना आगे से स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले ऐसा लगता है जैसे स्टेज ड्रामा है, स्टेज ड्रामे का कोई सीन चल रहा है, उसके पीछे गाना चल रहा है और वो उस तरह का काम हो रहा है, लेकिन आगे से गाना जो है वो अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग अगर किसी और से करवा लेते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। नसीबो लाल से स्टार्टिंग करवाई, इतना कोई ख़ास नहीं लगा। जो इस वीडियो के अंदर मुझे ख़ास पॉइंट्स लगे वो ये कि इन्होंने जो गाने के जो लिरिक्स थे वो आजकल की सिचुएशन के मुताबिक, जो कि मतलब ऑडियंस नहीं आएंगी PSL के ज़्यादातर मैचेस देखने, 20% पॉपुलेशन आ रही है, ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो क्राउड के बगैर हैं, तो उस आजकल की सिचुएशन के मुताबिक इन्होंने लिरिक्स बनाए हैं, वो चीज़ अच्छी थी। और इस वीडियो के अंदर की एडिटिंग बहुत कमाल थी, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने कोई फैक्ट्स इसके अंदर इंस्टाग्राम वाले लग गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर वीडियो कोई हो सकती है। बस थोड़ा सा इशू मुझे गाने में लगा कि अगर स्टार्टिंग किसी और से करवा लेते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता, नहीं तो ओके है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ठीक था, मतलब इतना भी कोई अच्छा नहीं था, इतना भी कोई बुरा नहीं था, मुझे पसंद आया है। अगर मतलब वो नसीबो लाल का पार्ट भी ठीक था, इतना कोई बुरा नहीं था, लेकिन लगा है कि स्टेज ड्रामा है। तो यंग सिंगर्स की मुझे ड्रेसिंग को इतनी ख़ास नहीं लगी, क्या मतलब बच्चों वाले क्या चूज़ों वाले ड्रेसिंग लग रही थी इनकी, ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। और आयमा बेग की भी ड्रेसिंग को इतनी ख़ास नहीं थी ड्रेसिंग, हालांकि नसीबो लाल की इन दोनों से बेहतर थी। और बस दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा शायद PSL वाले जो हैं कोई अच्छा गाना निकालें, क्योंकि ये भी कोई इतना ख़ास तो नहीं है, और ये इसकी डिसलाइक रेशो बहुत ज़्यादा है, लाइक से ज़्यादा इसके ऊपर डिसलाइक्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी मैटर करती है एक गाने के ऊपर कि कितना लोगों को, ऑडियंस को कितना पसंद आ रहा है कितना नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से नसीबो लाल से जो स्टार्टिंग करवाई है शायद वही वजह यही है कि शायद इस गाने के ऊपर डिसलाइक ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि डिसलाइक और डिसलाइक की रेशो बहुत ज़्यादा है, लाइक्स और डिसलाइक्स तकरीबन एक जितने हैं, तो इस चीज़ से भी मैटर करता है कि शायद हम उम्मीद रख सकते हैं कि अगली दफ़ा हमें बेहतर गाना मिलेगा। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और बेल आइकन दबाना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं ना दबाओगे तो आप लोग को मेरी नई नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, और बेल आइकन दबाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सा वे है, जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ लेके बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर भी कहीं पर आ रहा होगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।